सब सामग्री चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। दूध से छेना निकालने के लिए मैं यहाँ पे विनेगर यूज करूँगी, आप चाहो तो लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। 3 to 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर मैंने यहाँ पे लिया है। 1 टेबलस्पून घी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू और आलमंड लिया है। 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम दूध को अच्छे से उबालेंगे। दूध में अच्छे से एक बार उबाल आने तक इसको बॉईल करेंगे। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम इस दूध में से 4 चम्मच दूध निकाल के रख देंगे सेपरेट, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इसमें विनेगर को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। देख सकते हो कैसे सेपरेट हो गया छेना दूध में से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस पानी में ये छेना को ज्यादा टाइम रख देंगे तो ये जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर देंगे पानी में से। ये पानी को आप यूज भी कर सकते हो, जब आटा का डो बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है। मैं यहाँ पे एक मार्बल का कपड़ा ले रही हूँ, इसी में हम छेना को छान लेंगे। अब हम इस छेना को अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे एक बार, ताकि इसमें से जो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाएगा। पानी से इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी ड्रेन कर देंगे। छेना में से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के बाद हम इसको ऐसे मिक्सी में ले लेंगे टुकड़े टुकड़े करके। उसमें जो उबला हुआ दूध रखे थे उसको ऐड कर देंगे। पाउडर शुगर को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हो हमारा छेना का बैटर जो है वो रेडी हो गया है और ये कितना स्मूथ बना है। अब हम इसमें कार्डमम पाउडर को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, इसको अच्छे से हम घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि केक जो है स्टीम केक जो है अच्छे से हमारा निकल आएगा। अब इस बैटर को इस टिन में हम डाल देंगे। बैटर को अच्छे से ऐसे सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स को गार्निश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको हल्का सा ऐसे फ्रीज करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर।
स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे। अब इसमें पानी देंगे। याद रखिए पानी स्टैंड के ऊपर नहीं आना चाहिए। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इस केक टिन को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसको ढक करके 30 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे ये हमारा स्टीम केक हुआ है कि नहीं। देखिए ये चाक पूरा क्लीन आया है, इसका मतलब ये हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, केक टिन को बाहर निकाल देंगे, इसको रिमूव करेंगे। हमारा स्टीम केक बनकर रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई। इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए आपका अनुभव कैसा रहा।